हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे और मैकलॉरेंस थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि मैकलॉरेंस सीरीज क्या होती है और टेलर सीरीज किस तरह की होती है और इसकी मदद से किसी फंक्शन की सीरीज किस फॉर्म में एक्सपैंड की जाती है। तो सबसे पहले टेलर थ्योरम होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर एफ एक्स हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड इट्स डेरिवेटिव, और इसका जो डेरिवेटिव है एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर कोई फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल a, b एंड इफ a प्लस h लाइज बिटवीन a टू b, a और b के बीच में a प्लस h लाई कर रहा है, देन f ऑफ a प्लस h इस तरह से हमारे पास होता है। किसी फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, एफ ए प्लस एच इंटू, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए पे ए पॉइंट पे लिखते हैं, एच इंटू एफ डैश ए, एक बार डेरिवेटिव करके एक्स की जगह ए पे इसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंटू एफ ट्रिपल डैश ए, मतलब थर्ड डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब एन टाइम डेरिवेटिव करके ए पे उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो ये जो सीरीज आई है ये h की असेंडिंग पावर में आई है, मतलब h की बढ़ती हुई पावर में आई है। दिस इज टेलर सीरीज इन असेंडिंग पावर, असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई पावर, असेंडिंग पावर इन h। मतलब बच्चों अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच हो, उसको एच की बढ़ती पावर में अगर हमें थ्योरम यूज करना हो तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। एफ ऑफ ए, ए पे फंक्शन की वैल्यू प्लस एच, एच एफ डैश ए, एक बार डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल दो बार डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, एच क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल तीन बार डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल fn a, मतलब n टाइम डेरिवेटिव करके x की जगह a रखा गया प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास टेलर थ्योरम है इन असेंडिंग पावर इन h, h की बढ़ती हुई पावर में है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हमारे पास अगर कोई फंक्शन fx plus h के फॉर्म का होगा और उसको h की बढ़ती हुई पावर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, h की असेंडिंग पावर में, बढ़ती पावर को असेंडिंग पावर कहते हैं, बढ़ती पावर में अगर इसको लिखना हो तो इस तरह से हम इस थ्योरम को यूज करके किसी फंक्शन जो एफ एक्स प्लस एच के फॉर्म का है, एच की बढ़ती पावर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। इस पर भी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक बात और है बच्चों, अगर यहाँ पे ये एफ ए प्लस एच एच की बढ़ती हुई पावर में, इफ वी टेक एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एच की जगह अगर मैं एक्स माइनस ए ले लू, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ ए, मैंने यहाँ पे एच की जगह एक्स माइनस ए लिया है तो दैट इज एफ ए प्लस एच की जगह एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल
इनटू एफ डबल डैश है सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ ए से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो आया एफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारे पास, ये अब ये हमारे पास जो है इसमें हमने क्या किया है, एफ एक्स एक्सपेंड हुआ है, एफ एक्स यहाँ एफ एक्स एफ ए प्लस एस था, यहाँ एफ एक्स एक्सपेंड हुआ है, एफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए की असेंडिंग पावर में लिखना हो, जैसे एक्स माइनस पाई बाई फोर, एक्स प्लस पाई बाई फोर, किसी भी पावर में, तो हम इसको यूज करेंगे। हियर एफ एक्स को यहाँ पे एफ एक्स एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर में है, एक्स माइनस ए की असेंडिंग पावर में है। तो दिस एक्सप्रेशन जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको अगर हम वन दे दें और इसको टू दे दें, इक्वेशन सेकंड इज हियर एफ एक्स इज असेंडिंग पावर इन एक्स माइनस ए, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ए की असेंडिंग पावर में है। एक बात तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये, तो बच्चों अगर एफ ए प्लस एच को एच की असेंडिंग पावर में यूज करना होगा तो ये, एफ एक्स को एक्स माइनस ए की पावर में अगर असेंडिंग पावर में यूज करना होगा तो ये यूज करेंगे। अब जरा यहीं पे हम एक काम और कर लेते हैं, इसी में एक चीज और चेंज कर लेते हैं, आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहां पे पुटिंग पुटिंग ए इज इक्वल टू जीरो इन सेकेंड, अगर a बराबर जीरो आप सेकेंड में रख दो, तो अब क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स ए की जगह जीरो, एफ डैश जीरो प्लस ए की जगह जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो ए की जगह जीरो है, एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास इतना आ गया। अगर nth लिखना चाहें तो x to the power n upon n factorial fn zero, n वा टर्म हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आया ये fx is equals to इतना आया, और यहाँ पे चाहे तो लिख ही लें, n वा टर्म इसका जो होगा x to the power n upon n factorial fn zero, मतलब n टाइम डिफरेंशिएट है। तो ये जो fx जो है, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देंगे, यहाँ पे एफ एक्स जो है थोड़ा अच्छे से समझना भी है, एफ एक्स जो है ये एक्स की बढ़ती हुई पावर में है, इसे हम लोग मैकलॉरिन सीरीज कहते हैं। जब एफ एक्स को, अब अंतर भी थोड़ा समझिए, जब एफ एक्स को एक्स की इंक्रीजिंग पावर में, एक्स की असेंडिंग पावर में जब एक्सप्रेस करते हैं एफ एक्स को, तो दैट इज कॉल्ड मैकलॉरिन सीरीज। एक्स की जगह थीटा हो सकता है, एफ थीटा को थीटा की पावर में ले जाएं तो वो मैकलॉरिन सीरीज है। एफ एक्स को एक्स की बढ़ती हुई पावर में अगर लिखते हैं तो इट इज मैकलॉरिन सीरीज। ये जो है, ये जो थर्ड है, इट इज मैकलॉरिन सीरीज, ये हमारे पास मैकलॉरिन सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो सीरीज हमारे पास आई है थर्ड वाली, दिस इज मैकलॉरिन सीरीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो मैकलॉरिन सीरीज, ये मैकलॉरिन सीरीज है, दिस सीरीज इज मैकलॉरिन सीरीज इन असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर इन एक्स, या इसे मैकलॉरिन थ्योरम एक्स की बढ़ती हुई पावर में, ये हमारे पास लिखी गई है। तो बच्चों अंतर क्या हुआ ये भी जरा जाने, यहाँ पे एफ ए प्लस एच को एच की बढ़ती हुई पावर में लिख रहे हैं, एफ ए प्लस एच को, यहाँ पे एफ एक्स को एक्स माइनस ए की बढ़ती हुई पावर में लिख रहे हैं सेकंड वाले में, ध्यान देंगे तीन बस ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एफ एक्स को एक्स माइनस ए की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो टेलर इस तरह से एक्सपैंड हुई है, हियर हियर एफ एक्स इज
इसमें सेकंड में एफ एक्स इज एक्सप्रेसिबल इन पावर ऑफ एक्स माइनस है, इन सेकंड यहाँ पे लिख भी सकते हैं एफ एक्स इज एक्सप्रेसिबल इन, एफ एक्स एक्सप्रेसिबल है किसकी पावर में, एक्सप्रेसिबल इन पावर ऑफ, इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए की पावर में एक्सप्रेसिबल है। और भैया यहाँ पे एफ एक्स जो है किसकी इंक्रीजिंग पावर में है, एक्स की इंक्रीजिंग पावर में है। जब एफ एक्स एक्स की इंक्रीजिंग पावर में हो तो मैकलॉरिन सीरीज, एफ ए प्लस एच एच की पावर में हो टेलर सीरीज, ये भी टेलर है लेकिन एफ एक्स एक्स माइनस ए की पावर में है। तो एक बात तो ये, मैकलॉरिन को एक और तरीका है थोड़ा लिखने का, उसको भी जरा थोड़ा ध्यान देंगे, उसको भी जरा ध्यान देंगे। तो तीन फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं और यहाँ पे y जीरो लिख सकते हैं। y जीरो का मतलब y चूंकि x का फंक्शन है, y जीरो का मतलब y की वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे, x y1 वन एट जीरो, y1 का मतलब dy वाई बाई डी एक्स है एट x इज इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश का मतलब y2 एट जीरो, दो बार डिफरेंशिएट करके x की जगह जीरो, x क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल y3 एट जीरो, y3 का मतलब बच्चों तीन बार डिफरेंशिएशन करिए उसके बाद x की जगह जीरो रखिए, इसका मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो जो भी वेरिएबल हमारे पास है, प्लस डॉट 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 x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल yn एट जीरो, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारे पास मैकलॉरिन सीरीज का एक दूसरा रूप है जब y के टर्म में fx दिया हो, इट इज आल्सो मैकलॉरिन सीरीज, ये भी मैकलॉरिन सीरीज ही है। और जब हम fx को क्या मान लें, ये भी हमारे पास मैकलॉरिन सीरीज ही है। जब हम fx को क्या मान लें, y मान लें, तो इस तरह से y1 का मतलब भी dy by dx है, y2 का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करके x की जगह जीरो रख रहे हैं, y3 का मतलब तीन बार डिफरेंशिएट करके x की जगह जीरो रख रहे हैं, इट इज मैकलॉरिन सीरीज इन असेंडिंग पावर। ये असेंडिंग पावर में है, असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई पावर, और x की बढ़ती हुई पावर में है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली टेलर और मैकलॉरिन का हम लोग कर सकते हैं। जरा अब हम लोग एक प्रॉब्लम लें, एक बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेंड साइन एक्स प्लस एच, कोई फंक्शन हमारे पास साइन एक्स प्लस एच के फॉर्म का है, मतलब एक्स प्लस एच के फॉर्म का है, ये एफ एक्स प्लस एच है इन असेंडिंग पावर इन एक्स बाई यूजिंग टेलर थ्योरम। इसको हमें x की बढ़ती हुई पावर में टेलर थ्योरम से लिखना है। अब जरा सुनिए कितना इजीली लिख पाएंगे। आपको जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है उसको जरा देखिए, हमने पहला फॉर्मूला लिखा है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच को अगर h की बढ़ती हुई पावर में लिखना है, अभी इसी से बना लेंगे और बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे। एफ ए प्लस एच को h की बढ़ती हुई पावर में अगर लिखना हो तो एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको एक फॉर्मूला याद रहे, आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, एच क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास है, दिस इज यूजिंग दिस वन, दिस इज टेलर्स थ्योरम, दिस इज टेलर थ्योरम, ये हमारा टेलर थ्योरम है। अब जरा देखो बच्चों, ये हमारे पास टेलर थ्योरम है, अगर इसी थ्योरम को एफ ए प्लस एच, इधर जरा ध्यान से सुनिए, सिमिलरली एक बार हम फॉर्मूला पूरा एक ही फॉर्मूले से सब तैयार करके क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बस ध्यान दीजिए। एफ ए प्लस एच अगर यहाँ ए और एच का प्लेस चेंज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर फर्क पड़ेगा, एच की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह एच हो जाएगा। अब जरा देखो, हमें एच की बढ़ती हुई पावर में नहीं चाहिए, हमें एक्स की बढ़ती हुई पावर में चाहिए, एच वैसे ही चाहिए, एच की पावर नहीं चाहिए, यहाँ एच नहीं चाहिए, यहाँ एक्स चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पे देखो तुम लोग एफ ए प्लस एच, यहाँ ए और एच का प्लेस चेंज करोगे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ चेंजेज हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे, ए की जगह एच हो जाएगा, एच की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह एच हो जाएगा, एच की जगह ए हो जाएगा,
एच की जगह ए हो जाएगा, ए की जगह एच हो जाएगा, एच की जगह ए हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टर एफ थर्ड डेरिवेटिव एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इतना हो जाएगा। अब जरा आप लोग ध्यान सुनिए, कम से कम सीरीज में एटलीस्ट कुछ ना मेंशन हो तो 3 टर्म तो होने चाहिए ताकि सीरीज का बिहेवियर पता चले, अल्टरनेटिंग है कि सारी पॉजिटिव है, तो सीरीज में एटलीस्ट 3 टर्म तो निकालनी चाहिए। 3 टर्म नॉन वैनिशिंग टर्म, पता चला 2 0 हो गए कहे 3 तो हमने निकाल ही लिया, 1 टर्म निकाल के छोड़ दिया, नहीं 3 नॉन वैनिशिंग टर्म कम से कम आने चाहिए। एफ ए प्लस एच ये आ गया। अब देखिए ये ए की बढ़ती हुई पावर में हो गया, लेकिन हमें तो एक्स की बढ़ती हुई पावर में चाहिए, तो एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए कितना अच्छा सा बन गया, एफ एच प्लस ए की जगह बच्चों एक्स एफ डैश एच प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एच प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बस आपको यही यूज करना है, यही यूज करना है। अब या तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लो, या एक रिजल्ट याद रखो, उससे कोई भी रिजल्ट बना लो, कोई भी रिजल्ट बना लो और इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अब ये देखो ये एफ एक्स प्लस एच है, किसकी बढ़ती हुई पावर में, एक्स की बढ़ती हुई पावर में, हमें किसकी बढ़ती हुई पावर में लाना है, एक्स की बढ़ती हुई पावर में लाना है। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, हियर यहाँ पे बताओ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू जो है वो हमारी साइन एक्स प्लस एच है, और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी। तभी तो भैया एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा तो इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ गया, मतलब अगर एफ एक्स प्लस एच ये है तो एफ एक्स साइन एक्स होगा, तभी एक्स की जगह इधर एक्स प्लस एच करोगे तो इधर भी एक्स प्लस एच आएगा। अब चलो हमें एफ एच चाहिए, अब यहाँ पे सारी चीजें निकाल के और इसको वन मान लें और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लें, तो एफ एक्स प्लस एच मतलब ये एक्स की बढ़ती हुई पावर में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब चलिए पहली चीज तो एफ एच चाहिए, एफ एच कैसे मिलेगा, एफ एच यहाँ से क्या मिलेगा, इसको अब हम क्या करें इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स साइन एक्स है, एफ एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पे एफ एच कितना आ जाएगा, एफ एच हमारे पास साइन एच आ जाएगा। अब हमें एफ डैश एच चाहिए, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स करोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। एफ डैश एच चाहिए तो यहाँ जहाँ एक्स है वहां वहां एच रख लो, तो ये कितना आ गया, कॉस एच आ गया। हमें एफ डबल डैश एच चाहिए तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, कॉस एक्स का कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। अब हमें एफ डबल डैश एच चाहिए, एक्स की जगह माइनस एच रख लो तो माइनस साइन एच आ गया। एफ थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो, एक बार और डेरिवेटिव कर लो, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया तो माइनस कॉस एक्स माइनस ऑलरेडी है। एफ थर्ड डेरिवेटिव एच कर लो तो कितना आ गया, एफ थर्ड डेरिवेटिव एच करने पे कितना आ गया, माइनस कॉस एच आ गया, माइनस कॉस एच आ गया। अब ये सारी वैल्यूज जरा उठा के हम लोग फर्स्ट में पुट कर लें, फर्स्ट में पुट कर लें और देखें कि क्या इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन वही हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंड हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस एच असेंडिंग पावर इन एक्स एक्सपेंड हो जाएगा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट। ये सारी वैल्यूज हमने उठा के फर्स्ट में पुट कर ली। देखिए एक फॉर्मुलेशन में कितना इजिली फॉर्मुले बना पा रहे हैं पुटिंग इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हमने उठा के फर्स्ट में पुट की। एफ एक्स प्लस एच की जगह हमने क्या रखा, साइन एक्स प्लस एच, एफ एच की जगह क्या रखा, एफ एच की जगह साइन एच रखा, प्लस यहाँ पे कितना रखा, एक्स। एफ डैश एच की जगह कितना, कॉस एच रखा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर एफ डबल डैश एच कितना है, एफ डबल डैश एच माइनस साइन एच है हमारे पास, माइनस साइन एच है। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर एफ थर्ड डेरिवेटिव एच कितना है, एफ थर्ड डेरिवेटिव एच कितना है, दैट इज माइनस कॉस एच है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब कितना आया, ये आया साइन एक्स, साइन एच तो ये आया, प्लस एक्स कॉस एच तो ये आया, अगला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल साइन एच आया, अगला टर्म क्या है, अगला टर्म आया माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल कॉस एच आया, एंड सो ऑन हमारे पास इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स प्लस एच आ गया, साइन एक्स प्लस एच आ गया,
किसकी बढ़ती हुई पावर में, एक्स की बढ़ती हुई पावर में। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमने बहुत इजीली साइन एक्स प्लस एच को टेलर थ्योरम की मदद से एक्स की पावर में एक्सपेंड कर लिया। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं जरा। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये एक्सपेंड कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली कर सकते हैं। कॉस एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर बाई टेलर थ्योरम। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये x माइनस ए का फॉर्म है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच नहीं है या एफ ए प्लस एच नहीं है, सिर्फ x है मतलब एफ एक्स है, x माइनस ए है। एक हमने आपको टेलर थ्योरम का फॉर्मूला एफ एक्स इन पावर ऑफ x माइनस ए है उसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, यूजिंग टेलर थ्योरम फॉर एफ एक्स। हमने टेलर थ्योरम for fx in power of x minus a के लिए जो हमने बनाया उसको लिखा, क्या था fx बराबर not fx plus h, fx is equals to बनाया, आप देख सकते हैं fa plus x minus a into f dash a plus x minus a का whole square upon 2 factorial f double dash a प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ये टेलर थ्योरम है एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, लेकिन हमें एक्स माइनस पाई बाई फोर की पावर में चाहिए, एक्स माइनस पाई बाई फोर की पावर में चाहिए। टेकिंग ए की जगह हमने यहाँ पे पाई बाई फोर ले लिया, जब a की जगह अब मान लो यहाँ प्लस पाई बाई फोर होता तो x माइनस ए था, a की जगह माइनस पाई बाई फोर ले लेते, यहाँ पे आया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस ए की जगह पाई बाई फोर एफ डैश ए की जगह पाई बाई फोर प्लस x माइनस ए की पावर में। अब देखो बच्चों हमें x माइनस पाई बाई फोर के लिए चाहिए तो a पाई बाई फोर है, माइनस पाई बाई टू के लिए चाहिए होता तो a पाई बाई टू हो जाता, अगर x प्लस पाई बाई फोर के लिए चाहिए होता तो a माइनस पाई बाई फोर हो जाता, तभी तो प्लस आता, a की जगह माइनस रखते। प्लस x माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a की जगह हमारे पास रहा पाई बाई फोर प्लस x माइनस पाई बाई फोर का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f थर्ड डेरिवेटिव पाई बाई फोर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास रहा, एटलीस्ट 3 टर्म तो करने ही चाहिए, 3-4 टर्म करने चाहिए इस रेंज में कम से कम। अब यहाँ पे देखिए fx कितना है बच्चों, यहाँ पे इसको हमने 1 दे दिया और इसमें सारी वैल्यूज उठा के पुट कर लें, ये x माइनस पाई बाई फोर की एसेंडिंग पावर में बढ़ती हुई पावर में आ गई। तो कभी भी x माइनस ए की बढ़ती हुई पावर में अगर हमें लगाना हो तो इसको हम लोग यूज करेंगे। वहां पिछले क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस एच था, यहाँ सिर्फ एफ एक्स है नॉट एफ एक्स प्लस एच है इन x माइनस ए की पावर में। अब जरा देखिए एफ एक्स कितना है, यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास एफ एक्स कितना है कॉस एक्स, हमें पहली चीज एफ पाई बाई फोर चाहिए तो यहीं पे बगल में एफ पाई बाई फोर निकाल लीजिए, एक्स की जगह पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर 1/√2 ये इतना आ गया। अब हमें एफ डैश पाई बाई फोर चाहिए, एफ डैश एक्स निकाला, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एफ डैश पाई बाई फोर एक्स की जगह पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर 1/√2 माइनस 1/√2 एफ डबल डैश एक्स चाहिए cos sin x का cos x तो minus cos x, यहाँ पे बच्चों f double dash pi by 4 that is minus cos pi by 4 cos pi by 4 1/√2 that is minus 1/√2 f third derivative x निकाल लें, cos x का minus sin x plus sin x हो गया, f third derivative pi by 4 x की जगह pi by 4 sin pi by 4 1/√2। एक बात बच्चों और बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किसी एग्जाम में तो दिक्कत होती है। अब जरा देखिए वो दिक्कत वाली क्या बात है, वो जरा सुनिए। यहाँ पे जैसे cos x को एक्सपेंड करना है तो cos x पीरियोडिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन खत्म ही नहीं होगा, cos x का माइनस साइन एक्स का फिर आएगा, फिर आता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा।
इसलिए हमने डॉट 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 लगाया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पॉलिनोमियल होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होता, उसको एक्सपेंड करना होता एक्स माइनस किसी की पावर में, तो पॉलिनोमियल अगर है एक्स स्क्वायर का तो वो तो दो बार के डेरिवेटिव के बाद आगे चल के जीरो हो जाता सारा, तब उसको दो ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करते। अभी ये क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं तो बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, डॉट 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 और आती रहेंगी, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, इन सारी वैल्यूज को जो हमने वैल्यूज निकाली है इसको हमने उठा के फर्स्ट में कंप्यूट कर दिया। फर्स्ट में कंप्यूट करने के बाद एफ एक्स तो हमारे पास कॉस एक्स है, एंड हियर एफ पाई बाई फोर दैट इज वन बाई रूट टू हमारे पास ये रहा, एक्स माइनस पाई बाई फोर हमारे पास ये रहा, एफ डैश पाई बाई फोर इज माइनस वन बाई रूट टू हमारे पास ये रहा, दिस इज एफ डैश पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर ये रहा अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई फोर, एफ डबल डैश पाई बाई फोर की जगह माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल क्यूब ये रहा अपॉन तीन फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर की जगह वन बाई रूट टू प्लस डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग क्या करते हैं ए माइनस बी कॉल स्क्वायर ए माइनस बी कॉल क्यूब खोलते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि x माइनस पाई बाई फोर की असेंडिंग पावर में, बढ़ती हुई पावर में एक्सपेंड करो, जब पावर ही खोल लिया तो फायदा क्या हुआ, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ेंगे। अब ये हमारे पास cos x आ गया इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाई फोर, यही आंसर है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस होता तो एक की जगह माइनस रखते, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स होता, टेन एक्स होता, सेक एक्स होता, कुछ भी होता, एक्स माइनस ए की पावर में होता, और यहाँ पे एफ एक्स कॉस एक्स या साइन एक्स टेन एक्स कुछ भी होता, सिर्फ एक्स के फॉर्म में होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन है बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। Expand x square plus x plus 1 in power of x minus 2 with the help of Taylor theorem. यहाँ पे हमारे पास आप देखो fx ये है, fx ये है x square plus x plus 1 है, ये x minus 2 की power में है। अब यहाँ पे लिखेंगे Taylor expression, Taylor theorem in power, Taylor theorem for fx in power of x minus a. इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, टेलर थ्योरम एफ एक्स के लिए पावर ऑफ एक्स माइनस ए के लिए होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होती है एक्स माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये एफ एक्स है, एफ एक्स को एक्स माइनस ए की पावर में चाहिए, तो एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए ये होता है, और भी आगे जा सकते हैं। अब फिर लेकिन यहाँ पे बहुत चालाकी के साथ ध्यान देना है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे देखो ये पॉलिनोमियल है, आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, अब यहाँ पे यही थोड़ा समझ लो, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स प्लस वन आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, फिर आगे और डिफरेंशिएट सब 0 आएंगे, मतलब दो बार तक आएंगे। जबकि साइन कॉस में क्या था, आता चला जा रहा था, इसलिए डॉट 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 लगाया था, लेकिन ये दो बार के बाद तो 0 हो जाएगा। यहीं पे गलतियां करते हैं हम लोग, दो बार के बाद 0 हो जाएगा, इसलिए जब इसको जब हम लगाएंगे तो दो ही तक लगाएंगे, दो के आगे डॉट 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 नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सब 0 हो जाएंगे। लेकिन साइन कॉस में 0 नहीं होंगे, साइन कॉस में कुछ अपनी वैल्यू होगी क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन पॉलिनोमियल जरूर खत्म होगा। जितनी मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उसका अगला डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए जितनी डिग्री होगी बस वहीं तक का लगाएंगे। 2 डिग्री है तो डबल डैश तक लगा रहे थे, 3 होती पॉलिनोमियल में तो थर्ड डेरिवेटिव तक लगाते, उसके आगे नहीं जाते क्योंकि उसके आगे पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव वैनिश कर जाता। तो अब हमने क्या किया, एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, x माइनस है a 2, एफ एक्स इज इक्वल टू a की जगह 2 f 2 प्लस x माइनस a की जगह 2 f डैश 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 2, आगे नहीं जा रहे हैं, आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं, आगे डॉट 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 भी नहीं लगा रहे क्योंकि सब जीरो है। अब इसको क्वेश्चन नंबर हमने एक दे दिया,
यही चीज अगर एक्स क्यूब होती तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाते हैं, आगे सब जीरो हो जाता। अब एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। हमने एफ टू निकाला, एफ टू का मतलब एक्स की जगह दो रखा, तो दो का स्क्वायर प्लस दो प्लस वन, चार प्लस दो प्लस एक, ये इतना आ गया। ये इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ टू निकाला, एफ टू का मतलब एक्स की जगह दो, टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस वन मतलब फोर प्लस टू सिक्स वन सेवन, टू का स्क्वायर और प्लस टू प्लस वन एफ टू निकाला, तो इतना आ गया। अब हमें एफ डैश टू चाहिए, इसको मैं डिफरेंशिएट करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखते हैं। एफ डैश एक्स, टू एक्स प्लस वन आया, वन का जीरो। अब एफ डैश टू निकाला, एफ डैश टू का मतलब एक्स की जगह टू, टू इंटू टू प्लस वन, टू टू फोर वन फाइव। एफ डबल डैश टू चाहिए, एफ डबल डैश एक्स निकाला, टू एक्स का टू वन का जीरो, एफ डबल डैश टू जब रखेंगे तो यहाँ तो एक्स है नहीं तो टू ही आएगा, तो ये अब सारी चीजें आ गई। अब वही ये एक्स क्यूब तक होता तो बस हम तीन तक का जाते, चार तक का होता तो चार तक का जाते। ये हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए की पावर में, या एक्स प्लस ए होता तो यहाँ पे टू की जगह माइनस टू हो जाता। पुटिंग इन फर्स्ट, ये वैल्यूज हम उठा के फर्स्ट में पुट कर ले रहे हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, एफ एक्स की जगह हमने क्या रखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ टू की जगह हमने कितना रखा, एफ टू इज सेवन प्लस एक्स माइनस टू, एफ डैश टू, एफ डैश टू फाइव है प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर, एफ डबल डैश टू है। अब बच्चे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक्स माइनस टू की पावर में चाहिए, तो आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन प्लस फाइव इन टू एक्स माइनस टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, रहन है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू की पावर में आ गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एफ एक्स प्लस एच को या एफ ए प्लस एच को एच की बढ़ती हुई पावर में टेलर थ्योरम से लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक्स माइनस ए की पावर में लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन थीटा माइनस टू होता तो यहाँ सब कुछ एफ थीटा होता, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ थीटा रख लेते, थीटा की पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो सारी बात टेलर की है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं आप लोग बहुत ईजिली कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जरा हम लोग मैकलॉरेंस पे लेते, क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग मैकलॉरेंस थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन इन असेंडिंग पावर इन एक्स। यस, हमारे पास चार फंक्शन दिए हैं, सबका प्रोसेस यही है, एक जरा आप अच्छे से देखिए। वैसे भी ये सब एफ एक्स चार क्वेश्चन है, और एक्स की बढ़ती हुई पावर में, असेंडिंग पावर मतलब असेंडिंग पावर इन एक्स, बढ़ती पावर में मैंने बताया, जब एफ एक्स को एक्स की बढ़ती पावर में अगर एक्सपेंड करना हो तो मैकलॉरिन सीरीज लगाइए। अब यहाँ पे मैकलॉरिन थ्योरम जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह की है, मैकलॉरिन थ्योरम कुछ इस तरह की है, एक्स की बढ़ती पावर में कुछ इस तरह का इसका स्टेटमेंट है, वाई इज इक्वल टू वाई या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स वाई वन एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू एट जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल वाई थ्री एट जीरो प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फोर एट जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास मैकलॉरेंस चलती है। अब जरा देखो यहाँ पे जरा हम पहला पार्ट करें, इसी तरह से आप सारे पार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट हम दिखाते हैं आपको, y is equals to sin x है, ये पहला पार्ट, इसको क्वेश्चन नंबर वन दे दें, और फर्स्ट पार्ट इसको या हम क्वेश्चन नंबर कैपिटल ले दे दें, y is equals to sin x है। तो हमें मैकलॉरेंस के लिए y की जगह f भी कर सकते हैं, हमें y जीरो चाहिए, y जीरो का मतलब sin x की जगह जीरो कर लें, और sin जीरो जीरो होता है, y वन निकाला, y1 एट जीरो चाहिए, इसको मत करिएगा, फंक्शन का करके तब x की जगह जीरो रखते हैं, sin x का cos x, y1 एट जीरो जो आया दैट इज cos जीरो, cos जीरो का वन आ गया। अब y2 हमने किया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हुआ, और y2 एट जीरो हमने किया तो माइनस sin जीरो दैट इज जीरो आ गया। अब हमने यहाँ से क्या किया, y3 निकाला, sin x का cos x तो माइनस कॉस एक्स रहा, यहाँ पे हमने वाई थ्री एट जीरो किया माइनस कॉस जीरो दैट इज माइनस का वन आ गया। अब हमने वाई फोर निकाला, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स रहा, वाई फोर एट जीरो निकाला साइन जीरो
दैट इज जीरो आ गया। एक टर्म और चाहे बढ़ा लें, वाई फाइव कर लें, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई फाइव एट जीरो कॉस जीरो, कॉस जीरो का वन आ गया। या फिर जनरल फॉर्मूले यानी डेरिवेटिव के अगर आते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और साइन एफ उसका फिर उसमें साइन एन ए एक्स प्लस बी का फिर वन टू थ्री फोर रख के सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी। अब देखिए अगर आपको इससे फायदा क्या हुआ, अगर आपको मान लीजिए साइन एक्स की सीरीज नहीं पता, साइन एक्स का एक्सपेंशन इन एक्स की पावर में नहीं पता, तो मैकलॉरेंस ऐसा सीरीज है जो एफ एक्स को एक्स की इंक्रीजिंग पावर में किसी भी फंक्शन का जो कॉन्टिन्यूस हो और उसके डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हों, ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव उसके कॉन्टिन्यूस हों, तो आप उसमें रख के आप जो है सीरीज पता कर सकते हो। अब जरा पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन ए, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए, ये सारी वैल्यूज जरा उठा के ए में हम पुट कर दें, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए। अब बच्चों पुट किया, वाई की जगह साइन एक्स, वाई जीरो की जगह जीरो, एक्स वाई वन एट जीरो की जगह वन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर वाई टू एट जीरो की जगह वन, एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टर वाई थ्री एट जीरो की जगह वन, वाई थ्री एट जीरो की जगह माइनस वन, माइनस वन रहा। यहाँ पे एक टर्म और अगर बढ़ा लें तो एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल वाई फाइव एट जीरो प्लस डॉट 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 इस तरह से रहेगा, और एक्स फोर वाई फोर एट जीरो जीरो है, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड वाई फाइव एट जीरो की वैल्यू वन है और डॉट 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 अल्टरनेटिंग साइन चल रहे हैं। मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू आई दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, और अगर आपको याद हो तो साइन एक्स की सीरीज यही होती है। इसी तरह से आप चाहें तो सब में वही वाई ये है, सारी वैल्यूज निकाल लें इसमें रख लें, कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, सारे स्टेप के पार्ट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैकलॉरेंस सीरीज है, मैकलॉरेंस सीरीज y को या एफ एक्स को x की इंक्रीजिंग पावर में देता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है मैकलॉरेंस थ्योरम हमें अप्लाई करके प्रूव करना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस x क्यूब बाई थ्री प्लस x की पावर 5 बाई 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। बहुत ध्यान से सुने और यहाँ पे जरा कुछ चीजें आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले तो हमारे पास मैकलॉरेंस जो थ्योरम है, मैकलॉरेंस थ्योरम इज ये कुछ इस तरह का है, वाई इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स वाई वन एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू एट जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल वाई थ्री एट जीरो प्लस x to the power 4 upon 4 factorial y 4 at 0 x to the power 5 upon 5 factorial y 5 at 0 plus dot dot dot, और हमें 5 तक का प्रूफ करना है। तो ये तो हमारे पास मैकलॉरेन सीरीज है, इसको हमने a कह दिया। अब हमें सारी चीजें चाहिए, उसके लिए भी जरा हम लोग सुन लें। हमें सारी चीजें चाहिए, सबसे पहले हमें y जीरो चाहिए, y हमारा tan इनवर्स x है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स x है फर्स्ट, हमें y जीरो चाहिए। y जीरो का मतलब x की जगह जीरो रख लें तो y जीरो मिलेगा, tan इनवर्स जीरो जीरो होता है। अब हमें y वन चाहिए, y वन का मतलब वन को एक बार डिफ्रेंशिएट करें, y वन का मतलब dy by dx होता है। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वाई का जब एक बार करोगे वन का तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जिसे हम वाई वन लिख सकते हैं, और इधर जब करोगे टेन इनवर्स एक्स का तो टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका किया तो वाई वन आया और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहीं पर हमने वाई वन एट जीरो निकाल लिया, y1 वन एट किया, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको सेकेंड दे दिया और इसमें हमने y1 वन एट जीरो रखा। y1 वन एट जीरो का मतलब बच्चों x की जगह जीरो रखना है,
वन अपॉन वन वाई वन एट जीरो का मतलब वाई वन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो दैट इज वन अपॉन वन दैट इज वन दिस इज वाई वन एट जीरो। अब ये हमारे पास वाई वन एट जीरो आ गया। अभी हमें वाई थ्री वाई फोर और वाई फाइव और चाहिए। हमें पाँच तक का पूछा है तो पाँच तक का जाएंगे। अब जरा सुनिए, अब वाई टू निकालने के लिए यू अपॉन वी करेंगे, फिर वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इन सब जगहों पे थोड़ा सा टेक्निकल काम करने की ज़रूरत है। यू अपॉन वी ना लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे देखें, फ्रॉम सेकेंड से अगर हम देखें तो ये आया y1 into 1 plus x square is equals to 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको जरा एक बार और डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे है फर्स्ट फंक्शन y1, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 का 0 और x square का 2x आ गया, मतलब 2xy1 plus second 1 plus x square, ये second। इसका बच्चों करेंगे y1, y1 एक बार है, एक बार और करेंगे y1 का तो y2 हो जाएगा। y2 का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन। फिर से देखो, फर्स्ट इसका किया 0 इसका 2x प्लस सेकंड ये 1 प्लस x स्क्वायर, y1 चूंकि एक बार है dy by dx से, एक बार और होगा तो d2y / dx2, दो बार y1 का एक बार डिफरेंशिएशन y2, d2y / dx2 को y2 लिख सकते हैं, 1 का 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दी। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू जीरो देखिए कितना इजली y2 निकालेंगे। जब यहाँ पे x की जगह जीरो रखेंगे तो ये तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा प्लस 1 प्लस यहाँ x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो y2 एट जीरो। y2 दरअसल x का फंक्शन है, इसका मीनिंग ये है कि y2 की वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे, ये x इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये आया 1 इंटू y2 at 0 is equals to 0, मतलब y2 at 0 की वैल्यू 0 आ गई, y1 at 0 की वैल्यू 1 आ गई। इन सबों की जरूरत है हमें, इस पर उठाकर करेंगे y at 0 की वैल्यू 0 है, जितने बॉक्सेस बना रहे हैं इन सबों की जरूरत है। अब ये जो y1 आया इसको थर्ड को, फ्रॉम थर्ड, थर्ड को जरा देखिए, थर्ड को यहां से देखा तो इसको जरा पहले लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू पहले कर लो और प्लस यहाँ पे 2x इंटू वाई वन इज इक्वल टू जीरो, ये है। इसको जरा डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, एक बार और करते हैं x के रिस्पेक्ट में बिकॉज हमें y3 y4 y5 तक चाहिए। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का y3 हो गया प्लस फर्स्ट y2 का एक बार और करेंगे तो y2 दो बार है, एक बार और होगा तो तीन बार हो जाएगा, y3 का मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन हो गया y पर प्लस सेकेंड y2। अब इसका करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x आ गया प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, फर्स्ट x y1 का एक बार करेंगे तो y2 हो जाएगा प्लस y1 और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर से जरा देख लीजिए, फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू का एक टाइम करेंगे तो वाई थ्री हो जाएगा प्लस सेकेंड वाई टू, इसका करेंगे 0 इसका 2x प्लस 2 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x y1 का एक बार y2 प्लस y1 और x का 1। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री और यहाँ पे 2xy2 और 2xy2 ये दोनों मिलके हमारे हो गए 4xy2 और प्लस 2 टाइम y1 इज इक्वल टू 0, 2xy2 2xy2 4xy2 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें x की जगह 0 रखा तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 आ गया y3 एट 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो 4 इंटू 0 ये पूरा 0 हो गया प्लस 2 टाइम y1 एट 0 इज इक्वल टू 0, y1 एट 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया using y1 at 0 is equals to 1, that is y3 at 0 plus 2 into 1 is equals to 0, that is y3 at 0 is equals to minus 2 आ गया। अभी हमें y4 and y5 और चाहिए। y4 निकालने के लिए यहाँ पे जो तीन वाला था ये, इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने 4 दे दिया।
अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब चीजें टेक्निकल है थोड़ी, अगर अच्छे से करेंगे तो हमारा काम हो पाएगा। डिफरेंशिएटिंग थर्ड, डिफरेंशिएटिंग फोर्थ, फोर्थ को फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फोर्थ को जब एक बार करेंगे तो वाई फोर मिलेगा, फर्दर एक बार और करेंगे वाई फाइव मिलेगा। वाई फोर एट जीरो और वाई फाइव एट जीरो, ये सारी वैल्यूज उठा के ए में रखेंगे और यहाँ वाई रखेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। जब इसको एक बार और किया तो यहाँ पे आया फर्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वाई थ्री का किया तो वाई फोर आ गया, वाई फोर प्लस प्लस वाई थ्री, ये रहा वन प्लस एक्स स्क्वायर के तो इसका जीरो इसका टू एक्स रहा, यहीं पे कर दे रहे हैं। देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई थ्री का वाई फोर प्लस वाई थ्री है, एक बार और हुआ वाई फोर प्लस वाई थ्री, इसका जीरो इसका टू एक्स वाई थ्री प्लस फोर यहाँ पे कर रहे हैं। एक्स वाई टू का जब करेंगे एक बार वाई थ्री प्लस वाई टू, और एक्स का करेंगे तो वन आएगा प्लस टू, वाई वन का एक बार और करेंगे तो वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसमें क्या करें, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो रख के वाई फोर निकाला है, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो वन, वाई फोर एट जीरो प्लस यहाँ एक्स की जगह जीरो प्लस फोर यहाँ एक्स की जगह जीरो प्लस वाई टू एट जीरो, ये रहा प्लस टू टाइम वाई टू एट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, इतना है। यहाँ पे बच्चों एक्स की जगह जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर जीरो वन आया, वाई फोर एट जीरो यहाँ एक्स की जगह जीरो जीरो, एक्स की जगह जीरो जीरो फोर वाई टू एट जीरो, वाई टू एट जीरो अगर देखा जाए तो जीरो ही है, वाई टू एट जीरो, वाई टू एट जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो ही है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो वाई फोर एट जीरो की वैल्यू भी जीरो आ गई। अब एक हमें वाई फाइव एट जीरो और चाहिए, प्रूविंग जो करनी है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इतना, इसको यहाँ से यूज करेंगे। अब जरा हम वाई फाइव के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, वाई फाइव के लिए इधर ही आ जाते हैं, और हम ध्यान रखेंगे कि वाई जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो है और वाई वन एट जीरो की वैल्यू वन है, उसमें मैकलोरेंस में उठा के पुट करेंगे, इधर आ जाते हैं वाई फाइव के लिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, और वाई जीरो और वाई वन एट जीरो लिख लिया, उसकी ज़रूरत होगी यहाँ पे तो उठा के पुट करेंगे। अब जरा देखिए, इसको हमने क्वेश्चन नंबर पाँच दिया, इसको क्वेश्चन नंबर पाँच दिया फ्रॉम फिफ्थ, फिफ्थ वाली क्वेश्चन को अगर देखें, पाँचवीं क्वेश्चन को अगर देखें तो ये आया वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई फोर प्लस टू एक्स वाई थ्री और फोर एक्स वाई थ्री, वहाँ पे देखिए टू एक्स वाई थ्री फोर एक्स वाई थ्री सिक्स एक्स वाई थ्री रहा और प्लस फोर वाई टू और प्लस टू वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई फोर प्लस प्लस यहाँ पे आया सिक्स एक्स वाई थ्री सिक्स एक्स वाई थ्री प्लस सिक्स वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करें, ये तो उसी को फोर्थ को सिंप्लीफाई कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे है वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई फोर का करेंगे तो वाई फाइव आएगा प्लस वाई फोर इसका करेंगे तो वन का जीरो इसका टू एक्स आएगा प्लस सिक्स यहाँ पे प्रोडक्ट और एक्स वाई थ्री का वाई फोर प्लस वाई थ्री एक्स का वन, बहुत सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, सिक्स एक्स वाई थ्री का वाई फोर प्लस वाई थ्री एक्स का वन सिक्स वाई टू का वाई थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लगे हाथ रख लें, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वन प्लस जीरो स्क्वायर जीरो वन प्लस जीरो वन वाई फाइव एट जीरो, ये रहा प्लस यहाँ पे एक्स की जगह जीरो तो जीरो हो गया सिक्स एक्स की जगह जीरो जीरो हो गया वाई थ्री एट जीरो हमारे पास ये रहा प्लस सिक्स वाई थ्री एट जीरो हमारे पास ये रहा। यहाँ पे आया वाई फाइव एट जीरो ये रहा, बिल्कुल ध्यान देना है प्लस सिक्स वाई थ्री एट जीरो दिस इज माइनस टू एंड प्लस सिक्स वाई थ्री एट जीरो माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वाई फाइव एट जीरो माइनस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व इधर आके माइनस ट्वेंटी फोर और ये इधर आके प्लस ट्वेंटी फोर आ गया, सारी चीज़ें मिल गई हमें, वाई जीरो वाई वन एट जीरो सारी वैल्यू मिल गई। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए, ये सारी वैल्यूज ए में उठा के पुट करें, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन ए, ऑल वैल्यूज इन ए,
putting all values in A, जो ये मैकलॉरेंस रिश्ते इसमें सारी वैल्यूज उठा के पुट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्या, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, वाई हमारे पास टेन इनवर्स एक्स था, यहाँ पे वाई जीरो लिख लिया था पहले, जीरो एक्स इंटू वाई वन एट जीरो वन था, इसकी भी काम खत्म। एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर वाई टू एट जीरो जीरो है, तो ये तो जीरो ही हो गया। एक्स क्यूब अपॉन तीन फैक्टोरियल एंड वाई थ्री एट जीरो निकाल चुका हूँ, दैट इज माइनस टू। एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल वाई फोर एट जीरो जीरो हो जाएगा। एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल वाई फाइव एट जीरो, दैट इज 24 है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जरा हम लोग देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें, इस तरह से ऑल्टरनेट चलता चला जाएगा। यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसको थोड़ा सा फर्दर हम लोग सॉल्व कर लें और हम लोग अपना रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास आया, यहाँ पे आया दैट इज टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू, टू से टू कटा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री आया। इसको फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, फोर इंटू थ्री इंटू टू 24 से कट गया, एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस डॉट डॉट डॉट, दैट इज टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। यही हमारे पास प्रूफ करना था। तो आप लोग देखिए बहुत इजीली हम लोग यहाँ से इसको कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास मैकलॉरेंस थ्योरम का इस तरह से स्टेटमेंट है। आप लोग कोई भी मैकलॉरेंस थ्योरम के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। इस सीरीज को हम लोग ग्रेगरी सीरीज बोलते हैं, दिस सीरीज इज कॉल्ड ग्रेगरी सीरीज। इसको थोड़ा सा जानकारी भी दे देते हैं, दिस सीरीज इज कॉल्ड ये सीरीज जो होती है ये कॉल्ड, इसको ग्रेगरी सीरीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेगरी सीरीज। इसे हम लोग ग्रेगरी सीरीज बोलते हैं, टेन इनवर्स एक्स की सीरीज है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग टेलर और मैकलॉरेंस के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इस टाइप का, टेलर और मैकलॉरेंस थ्योरम के टाइप का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।